इनकी मंशा है कि 2024 तक वो सड़क नहीं बने, किसान विरोध करें, किसान प्रताड़ित हों, विधायक जलील हों। इसके कारण बिहार सरकार ने एक घिनौना काम शुरू किया, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप 2023 के रेट से ये भारतमाला परियोजना का चोरमा से लेकर ढाका होते फुलवरिया घाट तक के किसानों का आप मुआवजा दें, नहीं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और सदन में भी इस बात पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अब जय सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है, ऐसे में बीजेपी के विधायक है पवन जायसवाल जो आज बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये भारत सरकार की योजना है भारतमाला परियोजना, इसके तहत पूर्वी चंपारण में चोरमा से लेकर ढाका होते हुए फुलवरिया घाट तक सड़क का निर्माण होना है। लेकिन ये तीन विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से एक जगह से हम विधायक हैं, एक जगह से लाल बाबू जी हैं, एक जगह से राणा रणधीर जी हैं, ये तीनों भाजपा के विधायक हैं। राज्य सरकार ने साजिश के तहत केंद्र की योजना को बाधित करने के उद्देश्य से किसानों को प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने 2013 के रेट से जमीन अधिग्रहण की राशि का मुआवजा देने का नोटिस किया है, जो काफ़ी गलत है। राज्य में 2023 के रेट से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन ढाका चिरैया और मधुबन के क्षेत्र में 2013 के रेट से, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इनकी मंशा है कि 2024 तक वो सड़क नहीं बने, किसान विरोध करें, किसान प्रताड़ित हों, विधायक जलील हों। इसके कारण बिहार सरकार ने एक घिनौना काम शुरू किया, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप 2023 के रेट से ये भारतमाला परियोजना का चोरमा से लेकर ढाका होते फुलवरिया घाट तक के किसानों का आप मुआवजा दें, नहीं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और सदन में भी इस बात को उठा रहे हैं। सदन में इस बात को रखेगा, सदन में मजबूती से इस बात को रखेंगे। 100 गड़बड़ी है, जातीय जनगणना में गड़बड़ी है, सैकड़ों मामले हैं जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये क्या या किसानों का हकमारी किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा? किसानों की हकमारी भी की जा रही है और केंद्र की योजना को प्रभावित करने का एजेंडा भी है इनका, कि भारत सरकार की योजना नहीं बने, 2000 बन जाएगा तो 2024 में लोग फिर से खुश होंगे कि ये खराब सड़क का निर्माण हो गया, ये बाधित करने के लिए और भाजपा विधायक के क्षेत्रों में काम बाधित हो, इसके कारण ये काम। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग जाति आधारित जनगणना के बारे में विरोध जता रहे थे, आपने भी कई आपने भी कई कहा कि समाज को, हमारे समाज को भी जो वैस समाज के साथ साथ राज्य की वैसी तमाम जातियां जो राज्य सरकार के खिलाफ अपना सोच रखता है, सभी के जातीय जनगणना के आंकड़ा को घटा दिया गया है और राज्य सरकार समर्थित जो जातियां इनके आंकड़ा को इन लोगों ने बढ़ा दिया है, जिसका हम लोग विरोध। जिस तरह से अमित शाह ने भी कल कहा था कि मुसलमानों और यादवों की संख्या को बढ़ाया गया है और अति पिछड़ों को घटाया गया है। अमित शाह जी ने तो बड़े नेता है, वो अपना बयान दिए हैं, लेकिन हम लोग तो इस बात को शुरू से कह रहे हैं कि राज्य सरकार एक साजिश के तहत जातीय जनगणना में राज्य सरकार के विरोधी जो जातियां हैं उनके आंकड़ा को घटाने का काम किया है और अपने समर्थित जातियों के आंकड़ा को बढ़ाने का काम किया है। आज आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी कहा जा रहा है कि इस सदन में पेश किया जाएगा, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। मनमाना कर रहे हैं, जनता मनमाना नहीं करेगी, जनता वोट से इनको पलट देगी। लेकिन जिस तरह से आप लोग इसके रिपोर्ट पर, जो जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं करवा लिए, बीजेपी वाले क्यों नहीं करवा? हम नहीं कराएं तो सरकार में तो हम ही थे, हम ही निर्णय किए थे, आप अकेला निर्णय थोड़े किए थे। आपको साहस है तो अकेला निर्णय कर लीजिए, अपने सरकार में महागठबंधन में कौन निर्णय कर लिए हैं? तो गलत लग रहा तो बोल तो रहे हैं कि करवा लीजिए केंद्र सरकार, आपने करवा ली बीजेपी। हमको एक ही काम नहीं ना, हमको 100 काम करना है। आपके लिए ये काम जरूरी था, परीक्षा होता है तो रिजल्ट प्रकाशित करने में 3 महीना लगता है, आपको इतनी हड़बड़ी क्या थी? आपने इसका समीक्षा क्यों नहीं किया? छूटे हुए लोगों को शामिल करने के लिए, शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी क्यों नहीं किया? ये मनमाना कर रहे हैं, जनता इनके मनमाना 24 और 25 में उतार देगी। यानी कि हड़बड़ी में रिपोर्ट कार्ड, हड़बड़ी में गड़बड़ी और साजिश के तहत राज्य के वैसे जातियों को दबाने का, उनके हकमारी का इन्होंने प्रयास किया। चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया, कोई लाभ इनको नहीं मिलेगा, इनका सत्यानाश हो जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आज शीतकालीन सत्र है, ऐसे में हम सरकार से कई सवाल है जो पूछेंगे और जोरदार जो सवाल है वो हम रखेंगे विधानसभा में। इस तमाम खबरों में न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।